ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं आप। अभी सारे पैसेंजर वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये 40 रुपीज़ की एक टिकट है। ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हैं जैसे बुलेट ट्रेन हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मेहताब मीन है। काफ़ी टाइम बाद हम दोबारा वीडियो में आ रहे हैं, और आज हम लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन है जो उसका विजिट करेंगे। ये टिकट ऑफिस है ऑरेंज लाइन ट्रेन का। कितनी टिकट दी है? 40 की। अच्छा, तो गाइस हम 4 लोग हैं और ये 40 रुपीज़ की एक टिकट है। अभी हम यहाँ से इंटर होने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहताब मीन है। आज हम लाहौर में मौजूद हैं, और लाहौर में दोस्तों ने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पे हम ट्रैवलिंग करेंगे। तो इस वक्त जिस स्टेशन में ठहरा हूँ इसका नाम अनारकली स्टेशन है ऑरेंज लाइन का। ऑरेंज लाइन अनारकली स्टेशन जो है वो टोटली अंडरग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी हमारा फर्स्ट टाइम होगा ऑरेंज लाइन में ट्रैवलिंग करने का, तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अभी सारे पैसेंजर वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और तकरीबन जो ट्रेन है वो कोई 1 मिनट बाद आ जाएगी। ये दूसरी साइड जा रही है ना। अभी हम ट्रेन में इंटर हो गए हैं, और देख सकते हैं काफ़ी रश है। अभी ट्रेन चल पड़ी है, और आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से जा रही है। इसकी कुछ भी आवाज़ नहीं है, और काफ़ी स्टेबल यहाँ पे हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है। काफ़ी बड़ी ट्रेन है, और ये बड़ी स्पीड से जाती है, कुछ भी इसकी आवाज़ नहीं आती, देख सकते हैं। आई थिंक स्टेशन भी आने वाला है। स्टेशन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो गुलशन रावी से सलमाबाद जाएगा, और ये रेड और ग्रीन लाइट बता रही हैं कि इस रो में ये ट्रेन चल रही है। ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हैं जैसे बुलेट ट्रेन हो, और काफ़ी स्पीड में ये ट्रेन है, और देख सकते हैं कैमरा भी लगा हुआ है। अच्छा, तो गाइस हम अनारकली स्टेशन से चढ़े थे और सलाउद्दीन स्टेशन पे उतरे हैं। ट्रेन चल पड़ी है, और ये बाहर जाने का रास्ता है। ट्रेन की स्पीड देख सकते हैं आप। हम सलाउद्दीन स्टेशन पे उतर चुके हैं, और यहाँ पे हम एग्जिट होंगे। भाई मेरा सिक्का, थैंक यू। और काफ़ी पुरसकून स्टेशन था, और काफ़ी सफाई भी देख सकते हैं स्टेशन में। और जो ट्रेन है वो बड़ी स्पीड पकड़ती है, उसमें कोई धक्का वगैरह टाइम नहीं लगता है। किस तरह से हमारी लोकल ट्रेन है, काफ़ी सुकून है। फील ऐसे होता है जैसे ये बुलेट ट्रेन हो, और तकरीबन हर 2 से 3 किलोमीटर बाद स्टेशन आ जाता है। मुझे यही जो बात लगी है, मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो ऑरेंज ट्रेन है उसका थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये मेट्रो बस नहीं है जो हर 2 से 3 मिनट बाद रुके। तो मुझे काफ़ी मज़ा आया है। अगर आप ऑरेंज ट्रेन पे बैठे हैं तो आप भी कमेंट में लाजमी बताना आपको अच्छा लगा या नहीं।